हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक लिख रहा है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का। इसमें चैप्टर का नाम है स्केल। स्केल को मैंने स्टार्ट किया था जिसमें डिफरेंट टाइप की स्केल होती है। मैंने पहला जो पार्ट है प्लेन स्केल का, उसमें कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। इसके अलावा सेकेंड पार्ट है डायगोनल स्केल, तो डायगोनल स्केल की भी मैं कुछ वीडियो डाल चुका हूँ। वो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि न्यूमेरिकल सामने दिख रहा है, स्केल बनाने के लिए पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है, जिससे हमें लेंथ ऑफ स्केल निकालना पड़ती है। उसके बाद उससे हम ड्राइंग करते हैं। तो हम पढ़ के पहले न्यूमेरिकल समझाता हूँ आपको। ऐसे लिखा है, कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल लिखा है, सीधा क्लियर लिखा है, डायगोनल स्केल बनाइए। शोइंग यार्ड्स, यार्ड्स का एक यूनिट है लेंथ की। यार्ड्स को शो कराना, फीट का शो कराना, एंड इंचेज, मतलब यार्ड्स फीट एंड इंचेज में क्या माना स्केल बनाना। इन विच आ 2 इंच लॉन्ग, कितनी 2 इंच लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट 1.25 यार्ड्स, मतलब क्या कह रहा है, जो इतनी 1.25 यार्ड्स की लेंथ है उसको 2 इंच की लाइन से दर्शाया गया है मैप पर। स्केल इज लॉन्ग एनफ टू मेजर अप टू 5 यार्ड्स, अधिकतम कितने यार्ड्स की लेंथ बनाना है, 5 यार्ड्स। फाइंड आरएफ निकालना है एंड मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 4 यार्ड्स टू फिट 8 इंच, मतलब 4 यार्ड्स टू फिट 8 इंच क्या करना है, शो कराना है स्केल पर। सबसे पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेड लेंथ कहाँ, मतलब 1 पॉइंट सबसे छोटी यूनिट यहाँ पर कौन सी है, इंच है। उसके बाद यहाँ पर जो बड़ी यूनिट दिख रही है यार्ड्स है, छोटी यूनिट है जिसको हम सीट पर रिप्रेजेंट करा सकते हैं, मैप पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 2 इंच। और जो वास्तविक लेंथ है, जो एक्चुअल माप है या दूरी है, वो कितनी 1.25 यार्ड्स है, तो उसको हम कहाँ करा सकते हैं, सो सीट के ऊपर। ये दिख रहा है आपको, तो हम आर एफ के लिए फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आर एफ इक्वल टू क्या होता है, रिप्रेजेंटेड लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, मतलब जो दूरी प्रदर्शित कर रहा है सीट के ऊपर या मैप के ऊपर, अपॉन उसकी वास्तविक दूरी। तो रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 2 इंच अपॉन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.25, कितना है 1.25 क्या है यार्स। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं आरएफ की कोई यूनिट नहीं होती, तो दोनों कैंसिल हो चाहिए दूसरी सी यूनिट, उसके लिए हमें यार्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंच में। इंच में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो भी बचेगा वो हमारा आरएफ होगा। तो हम यहां लिख देंगे 2 इंच अपॉन, यार्ड्स को पहले किसमें बदल लेते हैं, फीट में, यार्ड्स को क्या हमें फीट वाले, 3 फीट स्क्वायर टू कितना होता है 1 यार्ड्स, कितना होता है याद रखना फ्रेंड्स, 3 फीट स्क्वायर टू होता है 1 यार्ड्स, है ना, 1 यार्ड्स स्क्वायर टू होता है 3 फीट। तो यहां रखें, सबसे पहले हम यार्ड्स को किस में बदल देंगे, फीट में, तो 3 का L2 कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, फीट में बदल जाएगा। अब फीट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, इंच में, तो फीट को इंच में चेंज करने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 12 का, 2 इंच अपॉन 1.25 × 3 × 12। याद रखें यार्ड्स को फीट में चेंज करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 यार्ड्स इक्वल टू होता है 3 फीट। इसी तरह है, फीट को इंच में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 फीट इक्वल टू कितना होता है 12 इंच, 1 फुट स्क्वायर टू होता है 12 इंच, है ना, याद रखें 1 फुट स्क्वायर टू 12 इंच। अब इसको हम कट करते हैं, कैसे करेंगे, 2 से हम 12 को कट कर देंगे, कितने बार जाएगा, 6 बार। अगर इसको हम या तो कट कर दें या फिर आप ऐसे ही रख दें, जैसा आपको करना हो। मैंने कट कर दिया तो आर एफ स्क्वायर टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग आ जाए 22.5, इसकी कोई क्या है 1 अपॉन 22.5, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखें। अब ये आर एफ आ गया, हमें क्या निकालना पड़ता है, एलओएस, एलओएस मीन्स होता है लेंथ ऑफ स्केल। ये आर एफ का फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो एलओएस लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, क्या होता है आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, आर एफ कितना हमारा 1 अपॉन 22.5 इंटू मैक्सिमम लेंथ कितनी दी है,
यहाँ पर देखेंगे 5 यार्ड्स, अब टू लिखा हो क्या थी मैक्सिमम लेंथ, कितना दिया 5 यार्ड्स, या अधिकतम लिखी होगी हिंदी में, यहाँ लिखेंगे 5 यार्ड्स। अब हमें लेंथ ऑफ द स्केल हमेशा किस में निकालेंगे, तो इंच में निकालेंगे यहाँ पर दिए, या फिर सेंटीमीटर में निकालेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में हमें ड्रॉ करना है, तो इसको चेंज कर लेंगे 1/22.5 × 5 को 5 यार्ड्स को हम किस में बदलेंगे, सबसे पहले फीट में बदलेंगे, फीट में बदलने के लिए 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट, तो 3 फीट होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3, और किस में चेंज हो जाएगा फीट में, ठीक है। इसको अगर और हमें आगे चेंज करना है, इसमें चेंज करना है इंच में 5 × 3, फीट को चेंज करेंगे इंच में तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 का, किसमें चेंज हो जाएगा इंच में। अब इसको हम एलओएस को निकालते हैं, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा कैलकुलेटर से या अपने अकॉर्डिंग, तो समथिंग आएगा 8 इंच, कितना आएगा 8 इंच, एलओएस कितना आएगा 8 इंच, याद रखते हैं एलओएस कितना है 8 इंच। अगर हमें 8 इंच को 8 इंच ही लिखा रहने वैसे आप एलओएस, लेकिन अगर आपको ड्राइंग करने में प्रॉब्लम आएगी इंच में, तो याद रखें 8 इंच बराबर होता है 1 इंच बराबर, मतलब 1 इंच बराबर होता है लगभग 2.54 सेंटीमीटर, याद रखें 1 इंच बराबर होता है, तो 8 इंच को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें, तो वैसे यही लिखना है लेकिन कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा 8 इंच बराबर हो जाएगा 8 × 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा लगभग 20.32 सेंटीमीटर। तो हम लगभग ऐसा मान लें कि हमारी जो लेंथ ऑफ द स्कूल कितनी 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर ड्राइंग करके आप अपन चलते हैं हिसाब से। तो याद रखें इस आरएफ कितना है 1/22.5, एलओएस है 8 इंच, मैक्सिमम लेंथ कितनी है 5 यार्ड्स। फ्रेंड्स मिनी ड्राफ्टर की स्केल होती है, याद रखें इस स्केल को जो वर्टिकल लाइन होती है एक स्केल होती है, हॉरिजॉन्टल स्केल होती है, वर्टिकल स्केल को जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है ड्राइंग शीट की जो कॉर्नर होता है उससे सेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो नीचे बॉटम लाइन होती है उससे सेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या एलओएस खींचना है, एलओएस कितना दिया है, एलओएस जो से मैंने लिख लू यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लगभग कितना देखें एलओएस 8 इंच दिया है, 8 इंच ठीक 8 इंच दिया, 8 इंच को हमने कन्वर्ट किया तो 20 सेंटीमीटर.36 आ रहा है, तो 20 सेंटीमीटर मैं खींच लेता हूँ। यहाँ पर स्केल रखेंगे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर पूरी स्केल हमारी बन जाए आसानी से, इस तरह देख रहे हैं अपन, हमने इसको ऐसी जगह रखा जहाँ पर हम स्केल को बना सकते, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रख लिए, और हमें कितनी लाइन खींचना है याद रखें 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो एलएस एलओएस आया कितनी खींचना 8 इंच याद रखें, तो ये लाइट डार्क खींचना मुझे कैसे खींचना है डार्क याद रखें, ये हमें डार्क खींचना है तो मैंने 20 सेंटीमीटर डार्क लाइन खींच दी है। चौड़ाई हमें कितनी लेना 3.5 सेंटीमीटर लेना, कई जगह 5 भी लेते हैं या कम ज्यादा भी लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ 3.5 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज लेते हैं, तो 3.5 सेंटीमीटर के अकेली चौड़ाई जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड साइज है या किसी बुक के अकॉर्डिंग, और इसकी इसको क्या करेंगे ये जो लाइन खींच दी चौड़ाई और इसकी विड्थ, ये दोनों क्या करेंगे एक ऊपर लाइन खींचेंगे एक यहाँ खींचेंगे, इस तरह एक बॉक्स कंप्लीट करेंगे, ऊपर भी हम 20 सेंटीमीटर खींच देंगे सामने की ओर, और यहां पर एक बॉक्स बना देंगे कंप्लीट, तो बॉक्स फ्रंट तैयार है। इस बॉक्स को ये मैंने कितना खींचा 20 सेंटीमीटर, ए ली 3.5 सेंटीमीटर। अब बॉक्स तैयार होने के बाद क्या होता है, इसके पार्ट्स कुछ करते हैं, पार्ट्स करने के लिए हमें क्या करता है ये स्केल है, इसको पहले ढीला कर ले, ढीला करने के बाद यहाँ पर इस कॉर्नर पर रखें, इस कॉर्नर ये देख रहा है एक कॉर्नर है, स्केल को कॉर्नर पर रखें किसी भी एंगल पर, याद रखें किसी भी एंगल पर कॉर्नर पर रखना है, और हमें लाइट पेंसिल यूज करना है, मतलब 3H यूज करेंगे जब भी हम पार्ट्स करेंगे स्केल के, तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी एंगल पर सेट कर लें इसको, कोई भी एंगल नहीं कोई मेजरमेंट नहीं इसका, और हम यहाँ पर क्या करेंगे लाइन खींच देंगे इस तरह, ये जो लाइन खींची मैंने इसकी भी कोई लेंथ नहीं होती, अपने अकॉर्डिंग खींच लें जितने में हमारे पार्ट्स कंप्लीट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि पार्ट्स कितने करना है, याद रखना जो मैक्सिमम लेंथ है हमारी वो कितनी है 5 यार्ड्स, हमें यहाँ पर यूनिट से मतलब नहीं, हमें पार्ट्स से मतलब है, मैक्सिमम कितने की बनना है 5 यार्ड्स की बनना है, मतलब हमारी 5 यार्ड्स की बनना है, तो हम नंबरिंग करने का तरीका बता चुके हैं कई बार कि अगर मैक्सिमम लेंथ 1 से 10 के बीच में आती है, इस यूनिट से कोई मतलब 1 से 10 के बीच में आ जाए, तो हम जो पार्ट्स करेंगे वो 1-1 के करेंगे, एक एक के करेंगे,
नंबरिंग कैसे देंगे, जैसे यहाँ 5 यार्ड्स है तो 1-1 यार्ड्स के कर देंगे। नंबरिंग कैसे देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरह 10 तक दे देंगे। लेकिन अगर हमारी जो मैक्सिमम लेंथ 10 से 100 के बीच में है, यहां पर दिखता है हम जो पार्ट करेंगे कितने करेंगे, 10 10 के करेंगे। नंबरिंग कैसे देंगे, 0, 10, 20, 30 इस तरह। लेकिन अगर मैक्सिमम लेंथ 100 से और 1000 के बीच में है, कुछ भी है, तो हम जो पार्ट्स की जगह करेंगे 100 100 के करेंगे, और जो नंबरिंग कैसे देंगे, 0 100 200 300। याद रखें तो इस तरह हमारा जो लेंथ किस में लगी, 1 से 10 के बीच में, तो हम कितने के 1 1 यार्ड्स के यहाँ पर पार्ट्स करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया, 1 1 यार्ड्स के पार्ट्स कर दिया। याद रखें यहाँ पर 100 100 के पार्ट्स करना है, यहाँ पर क्या करना है, 10 10 के पार्ट्स करना है, अगर ऐसा आता है तो। लेकिन यहाँ पर तो 1 से 10 के बीच में, 5 यार्ड्स के बीच में आया, 1 से 10 के बीच में, मतलब हम 1 1 यार्ड्स के 5 पार्ट्स करेंगे, और नंबरिंग कैसे देंगे, 0 1 2 3 4 5 तक। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स करने के लिए, इस तरीके से समझ लें आप, ये भी बहुत आसान है, क्योंकि हमें कोई भी इसमें ये जो डिवाइडर दिखता है, डिवाइडर से हमें पार्ट करना है, और डिवाइडर से जब पार्ट करेंगे तो याद रखें कोई भी हमें लेंथ नहीं लेना, ये अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। पहले दोनों को इस तरह बराबर सेट कर लें, दोनों इसको भी और इसको भी इस तरह बराबर आ जाए, तो इसके इसमें अपने अकॉर्डिंग जितनी लेंथ लेना चाहते हैं आप अपनी, जैसे मैंने इतनी ली है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा होने कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे आर्क सही आने चाहिए, जैसे आर्क कैसे लगाते हैं मैं बताता हूँ, ये भी लाइट ही लगाना। जैसे यहाँ पर कॉर्नर पर रखेंगे, सबसे पहले इस कॉर्नर पर रखा, पहला आर्क इस तरह लगा दिया, जहां पर आर्क आया वहां पर दोबारा से रखें इस तरह, दूसरा आर्क लगा दिया, तो फिर वहां पर रखें तो तीसरा आर्क लगा दिया, यहां पर रखें चौथा आर्क लगा दिया, यहां पर रखें पांच, जितने पार्ट्स करना है उतने आर्क लगा दिए। पार्ट्स करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, हर स्केल में बताता हूँ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट करने का तरीका बताया मैंने, अब इस पार्ट्स के बाद क्या करते हैं, ये स्केल होती है जो ढीली रहती है, एक कॉर्नर यहाँ पर एक पॉइंट लगा लें, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझने के लिए एक पॉइंट लगा देता हूँ यहाँ पर, एक जो लास्ट आर्क होता है वहां पर पॉइंट लगा लें, उन दोनों पार्ट्स पर क्या करेंगे, स्केल इस तरह रख देंगे, दोनों पॉइंट को सही लाइन में मिलना चाहिए याद रखें, और यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पॉइंट को सही लाइन में माना, इससे क्या करेंगे यहाँ टाइट कर देंगे, इसको इतना टाइट कर देंगे जी यहाँ से हिलने चाहिए, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद क्या करेंगे, दूसरा आर्क है उस आर्क को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, कहाँ नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां तक टच होनी चाहिए, इस लाइन तक, नीचे से इसको कैसा बढ़ाया मैंने, ऊपर की ओर बढ़ा दिया, इस तरह ने सारे आर्कों को हम ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, लाइन से टच करा देंगे, देख रहे हैं फ्रेंड्स आपको, इस तरह मैंने क्या किया, सारे पॉइंटों को ऊपर की ओर टच करा दिया। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह टच कराते हैं, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको ढीला करेंगे जो टाइट थी, इसको ढीला करने के बाद क्या करेंगे, हमारी वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, यहाँ पर स्केल रखेंगे, इसको क्या करेंगे टाइट, फिर से टाइट करते हैं, टाइट करने का पर्पज ये सारे पॉइंट है ऊपर की ओर बढ़ाना, मतलब हम क्या करेंगे, अब हम डार्क लेंगे स्केल, मतलब एच यूज करेंगे, और जो पॉइंट जहां पर पॉइंट मिले, देखो पॉइंट कौन कौन से मिले हमें, एक ये पॉइंट मिला हुआ है, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, जहां पर लाइन ऊपर की ओर टकराई हुई, इन सारे पॉइंटों को ऊपर ओर बढ़ा देंगे, तो हमने देखो ऊपर की ओर इस तरह बढ़ा दिए, तो हमने इस तरह ऊपर की ओर बढ़ा दिए। अब फ्रेंड्स अब नंबरिंग का टाइम है, तो नंबरिंग कैसे देंगे, नंबरिंग हमेशा देखें याद रखें, हम 2s से देंगे नंबरिंग, तो हम नंबरिंग हमने जैसे बताया था, अगर इसके बीच में लाए तो नंबरिंग कैसे देंगे, 0 1 2 3 4 5, तो 0 के लिए याद रखें पहला भाग छोड़ देते, पहले भाग से कोई मतलब नहीं रखना, क्योंकि उसके 10 10 भाग करना है, तो यहाँ से 0 स्टार्ट करें, हमेशा याद रखें 0 यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर 1 2 3 4, अभी बड़ी यूनिट कौन सी, हमें हमें सोल्व कराना, तो हमारी कौन सी यूनिट है, यार्ड्स, तो ये किस यार्ड्स, यहाँ लिख दें हमेशा, बड़ी यूनिट कौन सी होगी, यार्ड्स, यार्ड्स के बाद फीट आएगा, फीट के बाद इंच आएगा, तो सबसे बड़ी यूनिट मैंने यहाँ लिख दी, क्योंकि बड़ी स्केल उसको उसी यूनिट में सोल्व कराते, अब इसके हमेशा फिक्स होते हैं 10 भाग करना, 10 भाग करने का तरीका वही, भाग करने का तरीका जैसे क्या करेंगे हम, इस कॉर्नर पर देखेंगे, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर देखेंगे, जिस भी पार्ट्स के भाग करते हैं वहां से एक लाइन डालते हैं किसी भी एंगल पर, यहाँ पर किसी भी एंगल पर थोड़ा सा ऐसी लाइन डालेंगे, इससे हमारे आर्क लगने में आसानी होगी, हमने क्या किया यहाँ से एक इस तरह की लाइन डाल दी, किसी भी एंगल पर लाइन डाल दी, इसकी कोई भी लेंथ भी नहीं होती, हम फिर से वो आर्क लेंगे, हमें डिवाइडर लेंगे, उसमें देखेंगे जितना
कम से कम आर आई हुई लेंथ, उस लेंथ को ले लेंगे और 10 आर्क मार देंगे, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और 10। जैसे इसमें देखा थोड़ा कम पड़ गई तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं। इस तरह मैंने क्या किया, थोड़ी सी लाइन बढ़ा दी क्योंकि सही से आर्क मिल जाए। अब आर्क करने के बाद जो मिलाने का तरीका वही है, जो जीरो वाला पॉइंट देखें यहाँ पर और ये लास्ट वाला आर्क, इसको दोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। हमेशा याद रखें लास्ट वाला आर्क और जो जो जीरो वाला पॉइंट है वो उसको मिलाना, और जिसके हमेशा 10 ही पार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं आप, जीरो वाला पार्ट लिया और यहाँ में लिया, इसको क्या करेंगे फिर से हम इसको टाइट कर लेंगे, स्केल को टाइट कर लिया हमें, इसको टाइट किया और जो यहाँ से इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को जो इस तरह लाइन में लाइए, सारी पॉइंटों को क्या करें नीचे से ऊपर की ओर इस तरह बढ़ा देंगे। ये जो आर्क है इसको देख रहे हैं, इसको मैंने ऊपर की ओर बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, सारे पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ाने याद रखें। फ्रेंड्स ये पार्ट करने का तरीका आपको समझ में आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या करना, नंबरिंग देना। नंबरिंग देने का तरीका, हम जहां जीरो होता वहीं पर हम इसको जीरो देंगे, यहां पर जीरो तो यहां पर जीरो दे दिया, और क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह नंबरिंग देना, ये भी आप बहुत सारी स्किल में सीख चुके हैं। अब मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसको डायगोनल स्केल बनाने की अब जो बारी है, वो कैसे बनाते हैं, वो क्या करते हैं, एक डायगोनल डालते हैं, एक विकर्ण डालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहां पर दिख रहा है हम जो पॉइंट लगा रहे हैं इसको याद रखें, जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, इस कॉर्नर वाला पॉइंट, तो यहाँ का एक पॉइंट छोड़ के मतलब 9 नंबर पर हम ऐसा पॉइंट लगा देंगे। क्या किया मैंने, 9 नंबर पर एक पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक जीरो पे लगाया, 9 नंबर जीरो पॉइंट लगा देंगे, एक भाग छोड़ देंगे। तो यहाँ रखें स्केल को, देखो जीरो पर वहां रखा मैंने और 9 नंबर के पॉइंट पर। इस चीज को आप बिल्कुल याद रखें, ऊपर रखें कॉर्नर पे और 9 नंबर के पॉइंट पर रखें, और यहाँ पर रख के इसको क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, स्केल को टाइट कर लेंगे, जो बीच में हमारा जहाँ एंगल बने रहते हैं उसमें बीच में एक गोल गोल लगा रहता है, जिसको कसकर इसको ढीला कर सकते हैं और कस सकते हैं स्केल, उस स्केल को टाइट कर ली यहाँ पर रख के, इस कॉर्नर पर रख के और इधर 9 नंबर के पॉइंट पर रख के, और ऐसे क्या करेंगे लाइन खींच देंगे। अब आपको ये दिख रहा होगा एक बिखर टाइप का खींच गया, तिरछा तिरछी लाइन। अब हम सभी पॉइंटों को इसको ढीले इसको ढीला किए बिना सारे पॉइंटों को ऊपर की ओर बढ़ा देंगे, जो जो यहाँ पर पॉइंट है। तो हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट है 8 नंबर का, तो सारी लाइनें तिरछी जाएंगी, याद रखें एक बार टाइट कर लेंगे इसके लिए, उसको ढीला नहीं करेंगे जब तक कि सारे हमारे डायगोनल ऊपर की ओर नहीं जाते। फिर जीरो वाला पॉइंट भी ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, इतना याद रखें फ्रेंड। कई लोग क्या होता है जीरो वाला भूल जाते हैं। तुमने क्या किया, देखो सारे बिखरा तिरछे दिख रहे हैं, क्या किया था, इस कॉर्नर पर 9 नंबर पर स्केल रखी और यहाँ पर ये देखो पेन दिख रहा है और इंगली दिख रहा है, इन दोनों पर रख के मैंने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद जब स्केल टाइट होती तो हमेशा वैसे ही लाइन खींचते हैं, फिर सारे पॉइंटों पर जो पॉइंट थे वो सारे ऊपर की ओर खींच दिया विथ जीरो। अब जो ये दिख रही है हमारे क्या किया, बिखर खींच लिए, इसलिए हम इसको डायगोनल स्केल बोलते हैं। अब जो इसके लिए जब ये यार्ड्स थी, इसके बाद कौन सी यूनिट आती है, यहाँ पर जो यूनिट आएगी यार्ड्स के बाद वो आएगी फीट, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे फीट, और हमें दो यूनिट मिल गई। तीसरी यूनिट कौन सी होती है, इंच होती, वो हम यहाँ पर खींच के इसको कन्वर्ट करेंगे 10 पार्ट्स में। तो हमेशा इसको भी हम किसमें करते हैं 10 पार्ट्स करने का वही सिंपल सा तरीका जो बार बार मैं यूज करता हूँ, इस कॉर्नर पर रख के कोई भी एक लाइन डाल देंगे किसी भी एंगल पर। इस तरह मैंने क्या किया, एक लाइन डाल दी किसी भी एंगल पर, उसकी कोई भी लेंथ नहीं होती। अब क्या करेंगे, हम आर्क लेंगे, दिख रहा है इसको, इसको बराबर सेट करेंगे, यहाँ पर एक आर्क लेंगे जितना भी आपको आ सके मैक्सिमम, जिससे सुविधा हो सके आर्क लगाने में। तो हमने क्या किया, इतना आर्क ले लिया, उस कॉर्नर पर रख के हमने 10 पार्ट्स करना है, तो 10 आर्क लगा देंगे, एक दो तीन चार पांच छ
आठ नौ दस। तो हमने क्या किया, 10 आर्क लगा दिए इसको फ्रेंड्स। 10 आर्क के बाद हमने सिस्टम बताया, जो लास्ट एक पॉइंट है लास्ट वाला, और इधर लास्ट आर्क है, इन दोनों पे दो पॉइंट लगा लेंगे, और स्केल को इसको स्केल रखेंगे उन पॉइंटों पर, और इसको फ्रेंड्स क्या किया मैंने, टाइट कर दिया। आप देख रहे हो इसको टाइट कर ली स्केल को हमेशा, और क्या करेंगे नीचे वाला पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ा देंगे ऐसा, ये लाइन में लगी देखो। अब इस तरह हम क्या करेंगे, ये सारी लाइनें कैसे खींचेंगे, लाइट खींचेंगे, याद रखें 3H का यूज करेंगे, सारे पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ाना। पार्ट करने का अगर आप एक तरीका सीख जाएंगे तो कहीं पार्ट कर सकते हैं, इस तरह सारे आर्क ऊपर की ओर बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स सारे पार्ट्स ऊपर की ओर बढ़ा दिए, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसकी जो स्केल इसको क्या करेंगे, ढीला कर देंगे। ढीला करने के बाद क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम सेट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। हमने क्या किया, इसको सेट कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन को, टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद इसका टाइट करने का पर्पज है कि जी हमारे ये पॉइंट मिले इस लाइन के ऊपर, वर्टिकल लाइन के ऊपर, उनको हम क्या करेंगे इधर की ओर खींचेंगे, कहां तक इस लाइन तक हम देख रहे हैं, इस तरह खींच देंगे इसको, तो आसानी से खींच सकते हैं आप लोग। सभी स्किलों का बनाने का तरीका एक ही होता है, ओनली हमें आरएफ निकालना आना चाहिए, आरएफ की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट रहती है उनको कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, इसलिए स्केल बनाने का तरीका सभी का सेम है हमें, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्केल चाहिए, और लेंथ ऑफ द स्केल अगर मिलती है तो फिर हम स्केल कोई भी बना सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करना आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए आपको न्यूमेरिकल जितने रहते हो ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, जिससे आपको यूनिट कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि अगर एलओएस नहीं निकाल पाएंगे तो आप स्केल बनाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो राइट होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये मैंने क्या किया, सारे पॉइंट ऊपर की ओर बढ़ा दिए, और ऊपर की ओर बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे 2S से, 2S से नंबरिंग करेंगे। देख रहे हैं आप जहां से जीरो स्टार्ट होता है नीचे से इसको भी जीरो, यहाँ जीरो अगर नीचे से स्टार्ट हुआ तो यहाँ भी जीरो नीचे से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर कोई भाग ज्यादा कम हो मेरा तो आप उसको अच्छे से ड्राइंग करेंगे तो आपका अच्छा आएगा, मैं यहाँ पर आपको बताने के पर्पज से आया हूँ। तो यहाँ देखें ये यार्ड्स हो गए, ये फीट हो गई, तो यहाँ पर कौन सी यूनिट हो जाएगी, इंच हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंच। अब देखें हमें कितना शो कराना है, इफ यार्ड्स हो गई, फीट हो गई, इंच हो गई, याद रखें 3 यूनिट है, क्यों 3 यूनिट क्यों नहीं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा शो कराना होगा जो 3 यूनिट लेना पड़ेगा। आप देखेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना है, कितना रिप्रेजेंट कराना, 4 यार्ड्स 2 फीट और 8 इंच, 4 2 8, याद रखें कितना कराना है, 4 यार्ड्स 2 फीट और 8 इंच, 8 इंच। तो फ्रेंड्स कितना, 4 यार्ड्स 2 फीट 8 इंच। तो कैसे शो कराते हैं, याद रखते हैं तो 4 यार्ड्स है, तो यार्ड्स वाली स्केल में जाके देखते हैं, यार्ड्स वाली स्केल कौन सी, मेरी यार्ड्स वाली स्केल है, तो 4 कहां है, यहां पर है, ठीक है, तो जहां पर फॉर्मूला वहां पर हम एक लाइन खींचते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया, ये देख रहा है इन दोनों लाइनों के बीच थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और जितना यार से उतने ऊपर को खींच दिए। अब क्या बचा, 2 फीट, 2 फीट कहाँ है हमारा, फीट वाली स्केल है, फीट में 2 नंबर है, तो 2 नंबर पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे 2 नंबर पे, हमने यहाँ किया गया नीचे की लाइन पे पॉइंट लगा दिया, और कितना 8 इंच है, 8 इंच देखेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पर 8 इंच है, कहाँ देखें, ये 8 इंच है, इसकी लाइन देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं 8 इंच की लाइन पे यहाँ एक पॉइंट लगाया, और इधर 2 इंच की लाइन पर। अब 2 इंच की लाइन ऊपर की ओर जा रही है, देखो आप देख रहे हैं आप 2 इंच की लाइन कहाँ जा रही है मेरी, ये जो 2 इंच की लाइन आपको दिख रही होगी, मैं बता देता हूँ आपको,
टू इंच की लाइन ये वाली जा रही है, 8 इंच की लाइन इधर से आ रही है, दोनों जहां पर बिंदु मिलते हैं देखेंगे 8 इंच की लाइन इधर से आई हुई है, यहां से देखेंगे, और 2 इंच की लाइन यहां से गई हुई है, ये दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो समथिंग कहां मिलेंगे देखेंगे तो हमसे यहां मिल रही है, दोनों दहा एक दूसरे जहां पर एक दूसरे को काटती है, 2 इंच की इधर से गई, 8 इंच की इधर की आई, दोनों यहां पर काटे और यहां से एक वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं। याद रखें कोई भी तिरछी लाइन नहीं खींचना सीधा, जब हमारी स्केल वर्टिकल सेट है तो वर्टिकल ही खींचेंगे, किसी को भी काट के जाए तो हम क्या करेंगे यहां से एक वर्टिकल इस तरह की लाइन खींच। अब इसके अंदर हमें शो कराना है जितनी भी डिस्टेंस शो कराना है, हम यहां पर क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, बीच में क्या करेंगे गैप छोड़ देंगे, इस तरह क्या किया मैंने बीच में गैप छोड़ दिया और इन एरो को यहां पर इस तरह कंप्लीट कर दिया। तो यहां पर कितना कराना है 4 yards 2 feet एंड 8 inch। तो फ्रेंड्स इस तरह हम क्या करेंगे ये जो डिस्टेंस है उसको शो करा देंगे जिस तरह मैंने करा दी है, ठीक है। यहां पर इसको पूरा भी लिख सकते हैं यार्ड्स फीट और इंच। अब हमें क्या करना है इस पे जो स्केल कंप्लीट हो गई मेरी, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, आंसर भी कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें कुछ इस पे और लिखना पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे आरएफ, आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यहां पर लिख के जाते हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन हम करते हैं कॉपी में और जो हम ड्राइंग शीट पर क्या करते हैं सिर्फ ओनली ड्राइंग करते हैं, इसलिए वहां पर लिखते हैं। तो 1/2 कितना था 2.5, यहां से देख लेते हैं अपन, जो हमारा आरएफ है 22.5 और एलओएस कितना 8 इंच, 22.5 ये क्या होगा एलओएस, सॉरी आरएफ, एलओएस कितना दिया 8 इंच, मैक्सिमम लेंथ कितनी दी है 5 yards। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने कोशिश की आपको न्यूमेरिकल समझाने की, अगर फ्रेंड्स पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।